तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि स्मॉल कैप कंपनी के बारे में, जहां पर बहुत ही शानदार रिटर्न्स आपको देखने को मिल रहे हैं। बात करें लास्ट ट्रेडिंग सेशन की, तो इस कंपनी के अंदर हमें 1.3% के पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिले हैं, और साथ ही साथ अगर पिछले दो महीने के रिटर्न्स आप उठाकर देखेंगे तो आज से ठीक दो महीने पहले जिस शेयर्स ने अपने 52 वीक के लो को टच किया था 120 रुपए पर, अब ये शेयर हमें 240 रुपए के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। यानी कि इस शेयर के अंदर एक रिवर्सल ट्रेंड हमें यहां पर बनते हुए देखने को मिल रहा है। अगर आप इस कंपनी के मैक्सिमम इयर्स के रिटर्न्स को भी देखेंगे तो कंपनी लिस्टिंग के बाद से 18,000% से भी ज्यादा के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुकी है। और अगर आप इस कंपनी का ऑल टाइम हाई देखेंगे तो 250 रुपीज के अराउंड देखने को मिलता है। यानी कि जैसे ये शेयर्स 250 को क्रॉस करेगा, हमें शेयर्स के अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, और साथ ही साथ जबरदस्त तेजी यहां पर आते हुए हमें देखने को मिल सकती है। इसी के साथ में अगर हम इस कंपनी के कुछ और फंडामेंटल्स नंबर्स को एनालिसिस करें तो यहां पर आप देख पाएंगे कि प्रमोटर्स का स्टेक इस स्मॉल कैप कंपनी के अंदर काफी अच्छा हमें देखने को मिलता है। 52.5% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास में देखने को मिलती है, जो कि काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। और वहीं FII की बात करें तो FII के पास में ओवरऑल 19.4% का स्टेक देखने को मिलता है। और FII की होल्डिंग्स भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर काफी बड़े FII हमें देखने को मिलते हैं, लाइक नोमरा सिंगापुर, एलेरा, सभी की होल्डिंग्स हमें यहां पर देखने को मिलती है, जिनके नाम भी आप यहां पर देख सकते हैं, और उनके पास में इस कंपनी का काफी बड़ा स्टेक देखने को मिलता है। इसी के साथ में अगर बात करें रिटेल इन्वेस्टर्स की, तो पब्लिक के पास में रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में 27.9% का स्टेक देखने को मिलता है। यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कंपनी की काफी पॉजिटिव देखने को मिलती है, क्योंकि FII उसी कंपनी के अंदर इतना पैसा लगाते हैं जहां पर उनको रिटर्न्स मिलने की प्रोबेबिलिटी दिखती है। आती है कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में, तो रिसेंटली कंपनी ने अपने जून क्वार्टर्स के नंबर्स डिक्लेयर किए हैं, जहां पर कंपनी ने बहुत ही शानदार रिजल्ट यहां पर बनाए हैं। सम कंपनी की सेल्स की बात करें तो 164 करोड़ रुपए की सेल्स कंपनी ने जून क्वार्टर के अंदर डिक्लेयर करी है, जिसके सामने अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 28 करोड़ का देखने को मिल रहा है, और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज भी बढ़कर 17% पर पहुंच चुका है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत ही शानदार तरीके से ग्रो कर रहा है। वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 14 करोड़ रुपए का कंपनी ने नेट प्रॉफिट बनाया है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बहुत ही शानदार तरीके से ग्रो कर रहा है। वहीं अगर हम कंपनी के कुछ और फंडामेंटल्स नंबर्स की बात करें तो यहां पर आप देख पाएंगे कि हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के कारण कंपनी अपने लोन के इंटरेस्ट पेमेंट को इजीली मैनेज कर पा रही है, जो कि एक काफी बड़ा पॉजिटिव फैक्ट हमें यहां पर देखने को मिलता है। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 1490 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, और वहीं ROC और ROE परसेंटेज की बात करें तो लगभग 40% का ROE हमें देखने को मिलता है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि कंपनी मुनाफे में देखने को मिलती है, ईयरली कंपनी 50 करोड़ से भी ज्यादा के प्रॉफिट में हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर टोटल डेप्ट की बात करें तो 283 करोड़ रुपए का कंपनी के ऊपर कर्ज है, लेकिन उसी के सामने कंपनी के पास में 153 करोड़ रुपए के हेल्दी रिजर्व और 526 करोड़ रुपए के हेल्दी असेट्स कंपनी के पास में देखने को मिलती है, जिस कारण से कंपनी हमें यहां पर ऑलमोस्ट डेट फ्री देखने को मिल जाती है। अब बात करें कंपनी की, तो कंपनी का नाम है लेंसर कंटेनर्स लाइंस लिमिटेड। कंपनी के नाम में ही कंपनी का बिजनेस हमें देखने को मिल जाता है। यहां पर अगर आप बिजनेस का ओवरव्यू देखेंगे तो प्राइमरी बिजनेस ऑफ कंपनी इज ओशियन ट्रांसपोर्ट सर्विस ऑफ इंटर मॉडल कंटेनर्स बाय कंटेनर शिप्स। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो कार्गो के ऊपर, यानी कि जो बंदरगाह के ऊपर जो कंटेनर्स आते हैं, उसी का बिजनेस कंपनी यहां पर करती है। साथ ही साथ आप यहां पर देखेंगे कि कंपनी अपनी सर्विसेज कहीं जगह प्रोवाइड करती है, और अगर आप देखेंगे तो कंपनी ऑपरेट्स असेट लाइट बिजनेसेस विद अ मिक्स ऑफ 10,000+ ओन इन लीज्ड कंटेनर्स। 10,000 से ज्यादा कंटेनर्स कंपनी यहां पर मैनेज कर रही है, और जो कि 74 पोर्ट्स यानी कि 74 बंदरगाह पर हमें देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम इनके ऑफिसेस की बात करें तो इंडिया के अंदर कंपनी के 14 ऑफिसेस देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ दुबई में भी हमें इनकी
सब्सिडरी देखने को मिलती है और कंपनी ओवरऑल 30 कंट्रीज में अपना बिजनेस कर रही है, जो कि एक काफ़ी बड़ी सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड कर रही है। अगर कंपनी की सर्विसेज की बात हो रही है तो यहाँ पर कंपनी जो जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसकी इंफॉर्मेशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो चार्ट पर भी आप क्लियरली देख पाएंगे कि एक फ्रेश ब्रेकआउट बनने की यहां पर पूरी तरीके से तैयारी देखने को मिल रही है। 250 से जैसे ही शेयर्स यहां पर एक ब्रेकआउट बनेगा, हमें इस शेयर्स के अंदर अराउंड 300 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो इस शेयर्स को आप अपनी वॉच लिस्ट में एड करते हुए चल सकते हैं और अगर आप यहां पर खरीदारी करना चाहते हैं तो यहां पर आप खरीदारी करने का मन बना सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपोर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। इंफॉर्मेशन और यहां पर मैं आपको देना चाहूंगा, जाते जाते कंपनी ने रिसेंटली बोनस अनाउंस किया है अपने शेयर होल्डर्स के लिए, जो कि आप देख सकते हैं 2:1 के रेशो में बोनस हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी एक्स डेट की अगर बात करें तो 22 सितंबर 2023 रखी गई है। यानी कि इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के साथ ही अगर आप बोनस के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो इस एक्स डेट को आप अपने पास ध्यान में रख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।